आवाज नहीं भाई, छोरो रख जाओ भाई। ठीक ठाक शो? हरिद्वार कौन कौन सा गया था? एक और दो तीन। हरिद्वार जाने वाले और भी पावांगे? एक तो तीना ना हाथ आया था, और बताओ एक था और कौन सा गया था? तीन गए थे, तू भी गया था रे, चलिया जानदा। प्रसाद नहीं लाए भाई था मैं? चोरो इकड़े गए तीनू आथा नाले। ए हाँ, आज क्यों नहीं लाया? नुगा भूल गया। दूसरा कौन सा था? हाँ कोना बोला बाबा हो अप्रसन्न है, दूसरे की सेवा करनी पड़ा है। तीसरा रुक जो, कदे तड़की तड़क सुनो एक आधा प्रवचन है। कई दिन हो लिए भरिया हंडल ना कर रहा हूँ। कई दिन में क्लास आई होगी। तीसरा कौन सा था भाई? हरिद्वार वाला प्रसाद की था भाई। के क्या खत्म हो गया? एक आधा तो साजो जुमान जा रहा था, अगर आप प्रसाद दे नहीं आया, वो काउंटर में देखने गया, खीलर में मखाने पाए नहीं, दूसरा ले गया तार के। चलो भाई मननू बताओ, आज हिस्ट्री में कंबाइन बैच है आज, दोनों के दोनों ही बावेंगे। पहले हिस्ट्री करवाऊंगा, आज वीरेंद्र सर थोड़ा सा ज्यादा उसके पैरों में दिक्कत है, आज नहीं आ पाएंगे। एक क्लास पहले हिस्ट्री की ले लेंगे, और जो लास्ट वाली क्लास होगी वो हरियाणा जी के ही चेप देंगे। दोनों की दोनों लेकर चलेंगे आज। मननू बताओ, हिस्ट्री में टॉपिक कौन सा चल रहा था नए बैच में और पुराने बैच में? हाँ वो तो ओलिया था, उसके बाद मैंने क्या करवाया था यार, कुछ ना करवाया। और वहां पे जो उस साइड जो क्लास लगी थी वहां पे क्या करवाया था भाई? वैदिक सभ्यता के बारे में बताया था मैंने। तो आज इस क्लास के अंदर दोस्तों दो ही टॉपिक हो होंगे, और तो नहीं मैंने कोई फालतू अटरम सटरम बता रखा है। तो आवाज नहीं रे छोरो, आवाज नहीं भाई, मेरा भी इंजना बैठ रहा थोड़ा हा, मैं भी जा रहा था। कौन सा कह रहे हो? अरे बता तो कौन से मैं गया फेर दूंगा तने। और बोले प्रसाद नहीं दूंगा भाई तने। चलो भाई आज जो है ना, एक ते एक पिढारे एक ही आड़ा बैठे एक दिन अगले का ना डरावनी रिंग टोन ला रहा भूताड़ी, उन्हें बेरा लगा के दे मैं खागड़े। चलो भाई आज इस क्लास के अंदर दोस्तों हम एक ऐसे टॉपिक की शुरुआत लेकर के चलते हैं। टॉपिक भी कुछ ना है लेकिन काम भी ना चलेगा। आप लोगों ने एक नाम सुना होगा गौतम बुद्ध का, महात्मा बुद्ध का नाम सुना होगा। कंबाइन बैच जिसका जो चला हुआ है ना, वहां से अपने आप से आज कंबाइन है तो कंबाइन लेकर के चलेंगे भाई। तो आज दोस्तों इस क्लास के अंदर एक टॉपिक की शुरुआत होती है, और उस टॉपिक का जो नाम पड़ता है, उस टॉपिक का नाम पड़ता है क्या? नाम पड़ा बौद्ध धर्म। सुनना ध्यान से, यहां से क्वेश्चन क्या क्या एग्जाम के अंदर आता है और क्वेश्चन क्या एग्जाम के अंदर नहीं पूछा जाता है। अगर हम आज इस क्लास के अंदर जब इस टॉपिक की शुरुआत होती है तो बारीकी से चलते हैं, और वहां पर यह पूछा जाता है बौद्ध धर्म से संबंधित क्वेश्चन क्या क्या एग्जाम के अंदर आते हैं। अगर चाहूं तो इस टॉपिक को 1 घंटे की क्लास के अंदर समाप्त कर सकते हैं,
लेकिन दोस्तों अगर इस टॉपिक की थोड़ा सा अगर गहराई के अंदर चले ना तो कम से कम इस टॉपिक के अंदर 1.5 घंटे से भी ऊपर लगता है, थोड़ा सा अगर बारीकी देखे तो बारीकी देखेंगे कोई ना एक क्लास और होगा, वो बाद की बात है। आज जब तक इसका बेस क्लियर नहीं होगा तो कोई फायदा भी ना होगा। सबसे पहली बात के अंदर अगर हम कहीं पर भी जाते हैं, कोई भी व्यक्ति क्वेश्चन पूछ लेता है और आपसे किसी ने ये क्वेश्चन पूछ लिया कि बौद्ध धर्म जो आता है ये तो दुनिया को पता है किसका संस्थापक जो था, गौतम बुद्ध या महात्मा बुद्ध, यही बात निकलती है कि ना निकलती है। लेकिन सबसे पहला क्वेश्चन की जो शुरुआत होता है दोस्तों कहां से, यहां से। और क्वेश्चन पूछा गया ये कि इस बौद्ध धर्म की जो भाषा पड़ती है, मतलब सबसे पहला भाषा पूछी गई कि इस बौद्ध धर्म की जो भाषा पड़ती है उसकी भाषा का नाम क्या पड़ता है। तो इस बौद्ध धर्म की जो भाषा पड़ती है ना, तो इस बौद्ध धर्म की भाषा पड़ती है दोस्तों कौन सी, पाली भाषा। तो ये अर्थ है सबसे पहला दोस्तों मैंने क्वेश्चन लिखा और क्वेश्चन के अंदर इसका एक उत्तर लिख दिया और यहां पर यह बता दिया कि इस बौद्ध धर्म की जो भाषा पड़ती है इसकी भाषा कौन सा पड़ता है। तो उत्तर हम लोगों ने क्या लगाया भाई, पाली भाषा। तो यहां पर जो है ना, यहां पर इस क्लास के अंदर जब हमने इस बौद्ध धर्म की भाषा के बारे में बताया और वहां पर यह बता दिया कि इसकी जो भाषा पड़ती है ना वो पाली भाषा पड़ती है, लेकिन कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं। वहां पर चार ऑप्शन मिलते हैं, पहला तो आप लोगों को पाली मिलेगा, उसके बाद आप लोगों को प्राकृत मिलेगा, उसके बाद आप लोगों को संस्कृत मिलेगा और उसके बाद आप लोगों को कोई भी डाल देगा, उनमें से कोई डाल देगा। आप लोग सोचोगे ना तो पाली हो सकती ना प्राकृत हो सकती, हमने संस्कृत सुना या उर्दू सुना है जिसका प्रयोग हमारे दादा परदादा शुरुआत से करते आए हैं। लेकिन आपको अगर ऐसा क्वेश्चन दिखता है कि इस बौद्ध धर्म की भाषा कौन सी पड़ती है, तो उत्तर क्या लगा करके आना है, पाली भाषा पड़ती है, याद रख लोगे भाई। इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन आता है, पहला क्वेश्चन तो आपने बताया इसकी भाषा कौन सी पड़ा है, नाम रख दिया पाली भाषा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आता है दोस्तों क्या, कि इस बौद्ध धर्म का जो संस्थापक माना जाता है। यहां से फिर ये क्वेश्चन आया कि इस बौद्ध धर्म का जो संस्थापक माना जाता है, किसका संस्थापक कौन था, इस बौद्ध धर्म की शुरुआत किसने किया था, किसने ना किया था। तो इसका जो संस्थापक माना जाता है वो किसको माना जाता है, उत्तर लगाकर क्या ना है, किसको, गौतम बुद्ध को माना जाता है। इस बात का सारे भाइयों ने बेरा होगा किसका संस्थापक जो था ना वो कौन था, गौतम बुद्ध को माना जाता है। अगर मान लो वहां पर गौतम बुद्ध ना मिले तो इसके स्थान पर आप जो उत्तर लगाकर के आ सकते हो, आप उत्तर लगाकर के आ सकते हो महात्मा बुद्ध को भी माना जाता है। तो यार इस बात ने याद रखियो रे कि इस बौद्ध धर्म का जो संस्थापक माना जाता है इसका संस्थापक कौन था, तो उत्तर क्या लगाकर के आना है, गौतम बुद्ध या महात्मा बुद्ध को माना जाता है। बौद्ध धर्म की भाषा कैसी पड़ती है, तो उत्तर क्या लगाकर के आओगे, पाली भाषा को माना जाता है। बात क्लियर हुआ कि ना हुआ। अब यहां से मेरे दोस्त एक कॉमन व्यक्ति का नाम चलेगा और वहां पर जो नाम चला वो नाम क्या चला, गौतम बुद्ध या महात्मा बुद्ध के बारे में नाम चला। अब जितनी भी बातें निकल करके आएंगी ना, सारी की सारी दोस्तों इसी के बारे में आएंगी। संस्थापक तो ये था, लेकिन बाद में किसी ने यह बताया कि इस गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था, यहां से ये बात आती है कि बौद्ध धर्म का संस्थापक गौतम बुद्ध को माना जाता है। फिर आपसे किसी ने यह पूछ लिया कि से बौद्ध धर्म का जो संस्थापक माना जाता है उसका संस्थापक कौन था, गौतम बुद्ध। फिर बाद में किसी ने यह पूछा किसका जो जन्म हुआ था, इसका जन्म हुआ तो हुआ कब, बात निकला दोस्तों। तो इस बात का भी मेरे हिसाब से सभी को पता होगा किसका जो जन्म हुआ था, इसका जन्म हुआ 563
ईसा पूर्व के अंदर। तो यार फिर यह बात याद रखनी है कि गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था ना, इसका जन्म कब हुआ? 563 ईसा पूर्व के अंदर हुआ। या तो ईसा पूर्व मिलता है या इसके स्थान पर दोस्तों क्या मिलता है, बीसी मिलता है। तो इस बात ने याद रखियो रे कि गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था, इसका जन्म कब हुआ? 563 के अंदर हुआ था। जो 563 के अंदर इस व्यक्ति का जन्म हुआ, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, लेकिन फिर यह भी तो बताया जाता कि जन्म कहां पर हुआ। यह तो मैंने बता दिया कि इसका जन्म हो चुका है, इतना भी याद रख सकते हैं। लेकिन अगर आपसे किसी ने यह पूछ लिया कि इसका जो जन्म हुआ था, इसका जन्म कहां पर हुआ था, तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था, इसका जन्म कहां पर हुआ, तो इसका जन्म जो हुआ ना, इसका जन्म एक स्थान के अंदर हुआ था और उस स्थान का नाम पड़ता है लुम्बिनी नामक स्थान। तो यार यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहां से याद रखना है कि गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ, इसका जन्म कहां पर हुआ था, लुम्बिनी नामक स्थान के अंदर हुआ था। या तो लुम्बिनी नामक स्थान मिलेगा वहां पर, अगर थोड़ा सा मिले वहां पर किताबों के अंदर तो यही मिलता है कि जन्म कहां पर हुआ, लुम्बिनी नामक स्थान के अंदर हुआ। अगर ये ना मिले तो इसके स्थान पर उत्तर लगा करके आ सकते हो, कपिल वस्तु के अंदर हुआ था। तो यहां से आपको याद रखना है कि गौतम बुद्ध का जन्म हुआ ना, इसका जन्म हुआ दोस्तों कब? 563 के अंदर जन्म हुआ था। जन्म कब हुआ, वो हुआ कहां पर हुआ, लुम्बिनी नामक स्थान के अंदर हुआ। अगर लुम्बिनी मिले तो उत्तर लुम्बिनी लगा कर क्या आना है, लुम्बिनी ना मिले तो उत्तर क्या लगा कर क्या होगे, कपिल वस्तु के अंदर हुआ। फिर बात यह आती है कि सर हमने ये लुम्बिनी तो याद रख लिया, लेकिन ये स्थान पड़ता कहां पर है? तो ये स्थान जो पड़ता है, ये स्थान पड़ता है दोस्तों कहां पर, नेपाल के अंदर। तो यार तया बात याद रखियो रे कि गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था ना, इसका जन्म हुआ लुम्बिनी नामक स्थान के अंदर, और लुम्बिनी नामक स्थान कहां पर पड़ा, नेपाल के अंदर। कब हुआ? 563 के अंदर। कौन था गौतम बुद्ध? जिसने बौद्ध धर्म की क्या किया था, शुरुआत किया था। बौद्ध धर्म की भाषा कौन सी पड़ती है? पाली भाषा पड़ती है। और आज तक मेरे हिसाब से चाहे रेलवे का हो चाहे एसएससी का हो, मैंने तो आज तक ईसा को एग्जाम नहीं किया जो अड़ता प्रश्न आवे ना हो, प्रश्न 100 में तो 101% पूछा जावा है। चाहे तो पेपर में देखो, प्राचीन भारतीय इतिहास में 4 से 5 टॉपिक इंपोर्टेंट है। पहला टॉपिक जो आप लोगों करवाया, सिंधु घाटी की सभ्यता। दूसरा टॉपिक आएगा महाजनपद वाला। तीसरा टॉपिक बौद्ध धर्म। चौथा टॉपिक जैन धर्म आता है। पांचवा आएगा दोस्तों मौर्य साम्राज्य। और उसके बाद एक टॉपिक और आ जाया करा है, कह दिया करा गुप्त काल। और उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और आओगा, नाम पड़ा है सातवां अनुवंश। नु कह दोगे मन मन नु आ गई होगी कि जी इतने टॉपिक गणवा दिया, प्राचीन में रह के जागा। फिर 4-5 टॉपिक और रह गए भाई, सारे इंपोर्टेंट है। एग्जामिन का नू थोड़ा ना बेरा किंगे तो देगा, किंगे तो ना देगा। हमने तो पढ़ना पड़ेगा, और ना पड़ेगा भाई काम को चल। बेरा लग गया मन माना सुंग वंश में तो दे दे, बेरा लग गया मौर्योत्तर काल में तो दे दे, बेरा लग गया भाई विदेशी आक्रमण में तो दे दे, कितने के प्रश्न दे दे के ना दे दे, उसका कोई भरोसा को न्या। अपने चारू का नेता कान भी आंख भी खोल के तैयार रहो, सीधी ही बात यह है। अगर छोटी सी चीज में भी गलती करोगे ना तो नुकसान किसका दोस्तों, थारा। और इब्बी भी नहीं समझ माई फिर जिंदगी में कदे अंति भी को ना। या बात मान लो, इब मान लोगे तो फायदे में रह जाओगे, और ना मानोगे भी फिर थामने बेरा थारी के लगे होना के ना होना है, अग थारी किस्मत का खेल है, भूखा को मरदा है ही नहीं। पर नू है जब लाइन बदलोगे ना दोस्तों, लाइन बदल दिया ना घना आंगा लगेगा। या बात मानियो या ना मानियो, ठीक से भाई। यार की बात क्लियर होगी होगी, जन्म कहां पर हुआ, लुम्बिनी नामक स्थान कपिल वस्तु कहां पर पड़ता है, नेपाल के अंदर। नू तो है नीस गौतम बुद्ध का बीज ला दिया होगा, बीज पैदा होया होगा, माता पिता मिले तभी तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। फिर इसके पिता का जिक्र आता है, जन्म तो हो चुका है। अगर आपसे किसी व्यक्ति ने ये क्वेश्चन पूछ लिया कि इस महात्मा बुद्ध के जो पिता का नाम पड़ता है, अगर
पिता का नाम पूछा जाता है कि पिता का नाम क्या था, तो महात्मा बुद्ध के जो पिता का नाम पढ़ता है, इसके पिता का नाम पढ़ता है दोस्तों क्या, सुबोधन पढ़ता है। तो यह अर्थ है, यह बात याद रखियो रे कि गौतम बुद्ध के जो पिता का नाम पढ़ता है, इसके पिता का नाम क्या पढ़ता है, सुबोधन पढ़ता है। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? पिता कौन था? सुबोधन था। जब पिता सुबोधन का नाम लकड़ा ना, फिर इसकी माँ के बारे में पूछा जाओगा। माँ बना तो बालक का जन्म है, ये है कोन्या हक हो जाएगा, हो जाएगा रे। आजकल सारी चीज संभव है भाई के चीज संभव नहीं है इस संसार में, इस वैज्ञानिक दुनिया के अंदर इसी इसी चीज आ रही भाई, दिमाग तक डाल देते हैं बच्चे के अंदर, एडवांस टेक्नोलॉजी, सारी चीज संभव है। कुकर लखा हुआ दुकर भेड़िए देखा कर जंगल में कू खड़ का फसेगा को सकार नु देखा है मेरे कन्या प्रसाद लैण जोगे थम ओ को न्यार ऊ थम को जी मेरी मेर करो। तीनों जने कड़े गए, आग लाग रही थी थारे खील और मखाने नहीं ले गए थर पर तीनों पे ये भी आग याद देख देख कैमरे आगे बोलने लाग रहा है इसकी शॉर्ट वीडियो काट के गिरूंगा उनसे काम का भाई तू है एक गक्षीने का भाई मेरे खातर खील नहीं लिया भाई ना मखाने हरिद्वार ते तो भाई टिकड़े एक शिव आगड़ी तय है भाई तीसरा रे है कबड़ी के बारे में नहीं कुछ कंदा ये पक्के हैं मन मन नाम दे संदे गोबर मार के बैठ जा बेरा लग गया इनका तारे बारे में नहीं कुछ कंदा दोस्त है तो ले आइए मजाक है भैया। तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या पड़ता है भाई, सुबोधन पड़ता है। बात क्लियर हो गई? इसके बाद हमने क्या पूछा कि इसकी जो माता का नाम पड़ता है ना, फिर बात आई दोस्तों कहां से, मां के नाम से, कि गौतम बुद्ध की जो माता का नाम पड़ता है, इसकी माता का नाम पड़ता है क्या, महा माया पड़ता है। तो यार फिर यह या बात याद रखियो रे, जन्म किसने दिया, पिता कौन था, पिता का नाम पड़ता है सुबोधन, फिर माता का नाम पूछा गया किस गौतम बुद्ध की माँ का नाम क्या पड़ता है, माँ का जो नाम था ना, नाम पड़ा महामाया। जो महामाया जो थी ना, इस महामाया ने गौतम बुद्ध को क्या दिया था, जन्म दिया था। कारण का मतलब के है, जन्म देने वाली कौन थी, महामाया। और नू सुनिया हमने नू ना लिखियो कदे जो बताऊंगा वह लिख लो, हमने यह सुनी है जब इस महामाया ने गौतम बुद्ध को जन्म दिया ना, तो दो तीन दिन के अंदर अंदर इसकी माँ की क्या हो चुकी थी, मृत्यु हो चुकी थी। और दो से तीन दिन का बच्चा दोस्तों ऐसे थोड़ा ही ना पलने वाला, उसको पालने वाला भी तो चाहिए। तो क्या हुआ, तब ये बात आती कि माँ तो मर चुकी है, तो गौतम बुद्ध का क्या करना था, हम लोगों को पालन पोषण करना था कि ना करना था। तो यार या बात फिर एग्जाम में पूछी जावे कि गौतम बुद्ध को जन्म देने वाली माँ तो महामाया थी, लेकिन इसका जो पालन पोषण किया था, इसका पालन पोषण करने वाली माँ कोई दूसरी थी। अब मुझको एक बात बताओ, ज्यादातर संसार के अंदर मान लो किसी बच्चे की माँ मर जाती है, मान लो किसी बच्चे की माँ मर जाती है, तो उस बच्चे का ज्यादातर ख्याल कौन रखता है, बुआ ने छोड़ गए बैठी बैठी उसकी मौसी उछोरे के बाबू की साड़ी। अरे दोस्तों भाई हकीकत बात बताई, किसने बताई, कौन सी देवी थी जिसने यह बात कही थी, कौन सी थी, हाँ कहना आली कहेगी भाई। अब एक बात बताऊं दोस्तों, उस बालक का भी ख्याल कौन ने रख सका है, बस एक के रख सका है, बुआ तो फोन करा ना, बुआ तो रहा है, अरे बुआ जाना मारे तो रहा कौन है टाइम, मेरे तो बालक स्कूल में जान लग गए, कवे है कि नहीं कवे है, ब्याह पाछा बुआ कोई ची को ना, लेकिन भाई साहब ब्याह पाछा साड़ी जरूर पाओगी थारी, एक फोन कर दिए साड़ी यू काम, अपना काम छोड़कर थारे काम जरूर आओगी, वाह है साड़ी की पावर। तो उस साड़ी की जो पावर हो है दोस्तों, उस बालक खातर भी तो ममता आग रहा है, जब ये तो क्या आग रहा है, साड़िया दी घराड़ी क्या नहीं कर दे, नहीं कंदे साड़ी जो है ना दी घराड़ी, या बात क्या आग रहा है कि नहीं क्या आग रहा है, वह बात यारे तो संभव हुआ है।
जन्म देने वाली माँ तो कौन थी? महामाया। फिर उसके बाद आया पालन पोषण का, और पालन पोषण किसने कराया? उसकी मौसी ने कराया। और मौसी का जो नाम पड़ा है ना, गणाए बढ़िया नाम था, नाम पड़ा के गौतमी प्रजापति। तो यार तया बात याद रखनी रे, गौतम बुद्ध का जो पालन पोषण किया था ना, इसका पालन पोषण करने वाली माँ कौन थी? तो उत्तर क्या लगा कर क्या होगे? गौतमी प्रजापति को माना जाता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जन्म देने वाली माँ कौन थी, तो उत्तर महामाया को लगा कर क्या आना है। अगर पूछा जाता कि जन्म कब हुआ, 563 के अंदर हुआ, कहां पर हुआ? लुम्बिनी नामक स्थान पड़ा कहां पर? नेपाल के अंदर। दूसरा नाम क्या बताया? कपिल वस्तु। बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन? गौतम बुद्ध। भाषा कौन सी पड़ती है? पाली भाषा। बात क्लियर होगी भाई? जन्म से संबंधित बात बताई। फिर जब जन्म हो लिया तो वो बचपन में भी आया होगा, खेला भी होगा, कूदा भी होगा। तो जितने भी इस क्लास में बैठे हैं ना, थारे घर आना, थारे घर का एक प्यार का निक नेम जरूर पाओगा, एक दूसरा नाम जरूर पाओगा। किसी ने कोई कुछ कहे, किसी ने कोई कुछ कहे, अरे छोरे तने के का कर कर के प्यार ते यो ये नाम है करा। हाँ भाई है, तने तो घर के पता सासा निकल दे होंगे। अरे हाँ है कोई दूसरा नाम थारे को ना पाओ, थारा तो ना सुन पचाल रहा है। इब देखियो तने नाम ने तजर्बा दिखाऊंगा। हाँ छोरी तेरा घर पको दूसरा नाम है, ऊ बता उन्हें है ना, जो एक तू भी छोड़ा करने चाल भी। हाँ है नाम ना है, है इनका तो है। हाँ है चोरी बता करी ई मान लिया चोरी बैठिया नू बोली जी मेरा एक घर का एक दूसरा नाम है। और जब यह छोटी सी थी ना, नू को ना घर क्या खातर छोरा भी छोरी भी सारे समान हुए हैं, ओवे एक नहीं हुए हैं। तो इसने नगर क्या ना के करे छोरी तब प्यार तब लाया के नाम भी बेतरा इस याड़े का ये बता दे, भावना नाम है। तो भाई इसका प्यार का नाम मान लो भावना नाम है छोरी का। तो यहाँ गांव में बुलाई, घरा बुलाई, ए भावना बेटी इधर आइए, या आई बाजी बाजी दस का मलगा अंधे धो नून और धो नून तरता कया था ना, मैं तीन ना खेली कया था कि नहीं कया था? तो वो बात और वह प्यार भाई सब घर क्या का आज भी याद आवा है। मेरे खुद मेरे घर में ऐसा कोई मेंबर नहीं जिसने मेरी बीन ना बजा रखी हो, सारे पीटिया करें थे। तो वह बात आवे रे, तो यार तया बात याद रखियो, गौतम बुद्ध के जो बचपन का नाम पड़ता है, तो यह बात आवे किसका बचपन का नाम के था? तो इसने जब प्यार तक कह के बुलाया करें थे कि बेटा इधर आना, और इधर बुला कर था मैं बेटा के होना के ना होना, चाहे कोई कितना बड़ा लैंड लोर्ड बैठे हो सारे समर रहे हो जितने भी हैं जितने ना। तो इसका जो बचपन का नाम था ना, इसके बचपन का नाम पड़ता है दोस्तों क्या? सिद्धार्थ पड़ता है। याद रख लोगे कि ना रख लोगे? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या पड़ता है? सिद्धार्थ पड़ता है। क्लियर होगी भाई बात? या माता पिता के बारे में बता दिया, बचपन के नाम के बारे में बताया, बात याड़े को ना रिखी हो, बचपन तक जवानी में भी आओगा, आओगा कि नहीं आओगा? और जवानी में ब्याह की भी जरूरत पड़ेगी, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? जवानी में ब्याह करण खातर तो था मोड़ जोड़ो है हो, उन थोड़ा था मियाड़ाओ कागजा ना पढ़न ब्याह खातर आओ हो। जब वो जवानी में आया तो उसके ब्याह खातर रिश्ते की बात आने लगी, एक ठुकराया दो ठुकराया, अंतिम सांस में उन्होंने बोला चलो मेरा करे तो। तो यार तब फिर यह बात लकड़गी कि गौतम बुद्ध की जो लुगाई, जो गौतम बुद्ध की जो पत्नी का नाम पड़ता है, कदे को ऐसा गराड़ी लिख ले दुनिया में सब तक खतरनाक और सब तक तलवार चीज आए है दोस्तों गराड़ी। दूसरी ऊँ दिखा दूर तक सांप सुधी कती, गराज आप जाओगे ना पत्नी कौन थी? तो गौतम बुद्ध की जो पत्नी का नाम था ना, इसकी पत्नी का नाम पड़ता यशोधरा। तो यार तय या बात फिर याद रखनी पड़ेगी कि गौतम बुद्ध की जो पत्नी का नाम था वो नाम क्या पड़ता है? यशोधरा पड़ता है। जन्म कहां पर से लेकर के पत्नी तक आ चुके हैं। जब पत्नी का नाम यशोधरा पड़ता है तो इस पत्नी ने थोड़े से दिन के बाद, एक साल दो साल तीन साल के बाद, एक बच्चे को जन्म दिया जाता है। और यह पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध के जो बेटे का नाम पड़ता है,
देखो रे बेटे तई आलिया में और नू पूछ लिया गौतम बुद्ध के जो पुत्र का नाम पड़ता है इसके पुत्र का नाम क्या पड़ता है। बात निकली दोस्तों एग्जाम के अंदर ये, अगर ऐसा क्वेश्चन आता कि इसके बेटे का नाम क्या है तो इसके बेटे का नाम पड़ता है दोस्तों क्या, कोई बता सकता है इसके बेटे का नाम क्या लड़कों में? हा बैठा कोई राहुल है नहीं क्लास में, कोई राहुल है तो इसके बेटे का जो नाम पड़ता है दोस्तों नाम क्या पड़ा? राहुल पड़ता है। मैं थरते भी कू ये दोस्त घने खतरनाक हो गए हैं ना इन गेला की, तो मैंने पूछा बैठा कोई राहुल, बड़ दिन गुठा कर दिया इसका न्या गया वो टाइम पहले होया करती यारी दोस्ती, कदे कोई सा कोई से दोस्त के घूमने भी ना जाइयो बेरा लग गया खाई में धक्का दे दे नुका है दारू पिया का धक्का दे दे पता लग रहा तो कदे तमे तो हाँ भाईयो दारू दूरू ना पिया करो रे, कदे कोई सा भाई कर जा घाट बह दे छोरे हाँ बेटा को भी देखो शिक्षा देनी चाहिए, पीनी चाहिए या नहीं पीनी चाहिए नू बताओ, कोई सी बड़ा है नहीं पीनी चाहिए भाई हाँ एक महारानी बैठी बैठी नू क्या मन करे तो पी लो सर, अपने संस्कार को नहीं है। मैं वैसे कितना ही मजाकिया इंसान हो, अपने संस्कार को नहीं है। हम धन का चांदना देखते हैं दोस्तों, रात का भी चांदना देखते हैं, ना सोचो विकास कुमार पागल है, दुनिया तो सारी देख रखी है, हर कोई से भाई ने देखना हो ना लड़कियां की जिंदगी के बर्बाद हो भी एक बार मूर्थल ती चाल पड़ी हो सांझ का 9 बजे घना टाइम को ना होता 9 बजे का, कोई बारह की आकर पड़ी रहे हैं अरे हॉस्टला में कॉलेजा में पढ़े हैं, अरे भाई साहब इतने तो कपड़े और शराब के नशे में सामी चौकी रही जागी पुलिस वाले बेचारे नू नहीं कह सकते तो कर के रही है, बड़े बड़े बाप की लैंडलॉर्ड परिवार की है, चाहे दारू पी में चाहे कुछ करें, लेकिन मैं थार तैयार ये बात समझाऊं इस संसार में है ना सुवाद लो मैं नू नहीं कंधा ना लो सुवाद सारी डाल के लिए जा सके हैं, लेकिन दोस्तों घर की बदनामी झुक रहे दारू पी का रोडा पर चल रहे पानीपत में भी है, एक बार चला गया अड़पट सत बरात में चला गया 12-1 बजे ही रात न बरात में तालना रहा, दो छोरी ठेके पर दारू की बोतल ले लागरी रात न 12 बजे की बात बतालना करा नूनी की आड़ा आड़ा है हर शहर में गंद माच रहा, आजकल छोरे कम पीन लगे छोरी ज्यादा पीन लगी, अरे ये मुंह गलत की तलाक गए गामा में दशहरा में तलाक गई, मान लो किसी घर में थोड़ा फंक्शन हो रहा होगा ना और नू तो खान के मारी मन भी नचना हुआ है अपने भाई तो बोरा माँ का कहूंगे खासकर ब्याई थी ए मैंने भी दिए थोड़ा आदते में गाल के समझ में नहीं आंदा भी आज के टाइम पर ओके रहा है आ समय की पी है कोई सी नाच नहीं कर क्यों गया कह दी तो घट बैद पक्का करती हा जजमान अरे बस रे नकम्यो कोशी काली मान की कर राजा का सल फास खा ली तो बस भाई कदे गाम में जाके बता दे छोरी मेरी दरखास्त दुआ दे तो क्या बताया भाई मने तो गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या पड़ता है भाई? राहुल पड़ता है। यहां तक बात क्लियर होगी होगी भाई। फिर गौतम बुद्ध ने है ना जब इसके पुत्र तई बात आ गई तो इसने के सोचा क्यों ना मैं ज्ञान लिया जाऊं भाई ज्ञान लिया जाए भाई, तो इसने ज्ञान लेने की सोची, तो इसने क्या करा दोस्तों एक बात याद रखियो हर चीज हो जाओगी गुरु बना ज्ञान नहीं है मानो कि नहीं मानो, फिर इसने के सोचा क्यों ना मैं अपने एक गुरु बना लूं, और बाद में एक बात पूछी कि गौतम बुद्ध के जो प्रथम गुरु का नाम पड़ता है तो यार तय सब तय पहला एक बात आती है कि गौतम बुद्ध के जो प्रथम
प्रथम गुरु का नाम पड़ता है कि इसका जो गुरु था ना इसके गुरु का नाम क्या पड़ता है। तो गौतम बुद्ध के जो गुरु का नाम पड़ा है इसके गुरु का नाम पड़ता है दोस्तों, क्या नाम पड़ा? पहला जो गुरु था ना नाम पड़ता है अलारक राम पड़ता है। तो यार तया बात याद रखियो रे कि गौतम बुद्ध का जो प्रथम गुरु था इसके गुरु का नाम क्या पड़ता है? अलारक राम पड़ता है। इब्नू सोचेंगे हम अलारक राम जो था ना यह कौन था भाई? गौतम बुद्ध का प्रथम गुरु था, इसने इसको शिक्षा दिया था। जो यो गुरु था इस गुरु की और गौतम बुद्ध की मुलाकात कहां पर हुई? मुलाकात बने तो ज्ञान नहीं ले सकता कोई भी। इब एक बात बताओ, मैं रोड पर चल रहा हूं उन नन्नू थोड़ा ना बेरा इसके दिमाग में ज्ञान है कि ना है? इब थाम की तो मिल जाओगे, थाम नन्नू बेरा खाम पढ़ रहे हैं ज्ञान है कि ना है? थामने सारी डाल की बता बेरा बेरा है कि ना बेरा है? रोडवेज के कंडक्टर ने के बेरा का अगला आदमी पढ़ा हुआ है कि ना पढ़ा हुआ है? जिसे थाम उषा में तो वह बात याद आई। जब गौतम बुद्ध इस टाइम मिला होगा कितने कितो मिला होगा, मुलाकात हुई होगी, जब तो उसने ज्ञान लेने की सोची कि मैं इस गुरु से ज्ञान लूंगा, इसको मैं अपना गुरु बनाऊंगा। तो लिखना है गौतम बुद्ध की और अलारक राम की जो मुलाकात हुआ था, इसकी मुलाकात हुआ था दोस्तों कहां पर? एक स्थान पड़ता है, उस स्थान का नाम पड़ता है वैशाली नामक स्थान। तो यार तया बात याद रखियो, गौतम बुद्ध की जो मुलाकात हुआ था ना इसकी मुलाकात अलारक राम से कहां पर हुआ था? यह हुआ था वैशाली नामक स्थान के अंदर। फिर बात में नु आओगी, अब यह वैशाली नामक स्थान कहां पर पड़ता है यही पूछा होगा। और वो मैं अभी एक बात बताओ, ये टॉपिक मैंने समाप्त थोड़ा ही ना किया है। एक बात बताओ, दिल्ली की बात ये हरियाणा में पूछ रही है, क्या चीज संभव है? अरे नहीं नहीं, पहले क्यों? इसने 29 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध ने अपने घर को छोड़ा था। घर को छोड़ने की 3 से 4 बातें थी। पहले उसने बीमार व्यक्ति को देखा था, अपने बापा से बोला कि ये बीमार क्यों हुआ जब जन्म हुआ। फिर उसने एक बूढ़ा व्यक्ति देखा, बोला कि ये बूढ़ा क्यों हुआ जब जन्म हुआ। फिर एक बच्चे के मृत शरीर को देखा, उसने उसके बाद संन्यास लेने का सोचा था। वो सारी बात बताऊंगा, लेकिन स्टेप टू स्टेप तो बताऊंगा, है कि ना? जब स्टेप चढ़ेगा तभी तो बताऊंगा, केवल पढ़ लो। मैं आप लोगों को सोचूंगा भाई, पहले 0-0 के बाद 1-1 के बाद 2, अन्यथा मैं चांदा ना भाई गौतम बुद्ध के माता पिता के बारे में बता के गौतम बौद्ध धर्म की 4 बौद्ध संगतियां लिखवा कर नुक देंदा स्वाहा। वास्तविकता बता रहा हूं, लुसेंट उठाकर देख लेना, जो पढ़ते उन सारा बेरा होगा। उसकी 4-5 बात बता के एक बार नुक देंदा स्वाहा। 4 बोध संगतियां हुई थी, वाई बात बताकर वाई इंपोर्टेंट दिखा देता, इस तबैर नहीं आ सकता। मारा काम है रास्ता दिखाने का, पढ़ना तो खुद पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा भी, लेकिन जितना हो सका है ना दोस्तों हम अपनी तरफ तो 100% देने की कोशिश करें। वैसे तो 100% कोई टीचर नहीं देता, लेकिन भाई आज तक का रिकॉर्ड मैंने कभी अपनी तरफ तो अपने द्वारा कुछ रखा ही नहीं। बस सारा काम है लिखन का, पढ़न का, वो ये कर लियो, उस तबैर कुछ नहीं है। और इस तबड़ कर जान लोगे भाई मेरी, ठीक सही में बता दिया, वो आगे बताऊंगा छोरी। तो प्रथम गुरु कौन था भाई? अलारक राम था। जो अलारक राम था ना इस आदमी की मुलाकात इस गिले किंग हुई। तो इसकी मुलाकात किंग होगी भाई वैशाली नामक स्थान के अंदर होगी। जो वैशाली नामक स्थान जो पड़ता है ना ये एक बड़े प्यारे राज्य के अंदर पड़ता है, और उस राज्य का संबंध तुम लोगों से भी है। तो इसका जो स्थान पड़ता है ना ये वैशाली नामक स्थान, ये स्थान कहां पर पड़ता है? बिहार के अंदर पड़ता है। तो यार तया बात याद रखियो, गौतम बुद्ध का जो प्रथम गुरु था ना उसका नाम पड़ता है अलारक राम। इस अलारक राम की और गौतम बुद्ध की मुलाकात कहां पर हुआ था? वैशाली नामक स्थान के अंदर हुआ था। और वैशाली नामक स्थान कहां पर पड़ता है? जाओगे बिहार? जान दे नहीं, हिमाचल है? हिमाचल जाओगे? जम्मू कश्मीर? बिहार नाट गए, हिमाचल भी चले जाओगे और जम्मू कश्मीर भी चले जाओगे, सेब तोड़ खाओगे उनकी थम। अरे
लिख लिया भाई, मेरे पर का तो जानदा भी सुथरा लग गया था, हम क्यों जाओगे भाई सेब की पेटी लेने, आड़ा आ जाओ। प्रथम गुरु लिख लिया भाई कौन था। इसके बाद आती है दोस्तों क्या, किस गौतम बुद्ध का जो दूसरा गुरु था। तो फिर यार तया बात आई कि गौतम बुद्ध का जो दूसरा गुरु जो था ना, इसके दूसरे गुरु का नाम क्या पड़ता है। तो गौतम बुद्ध के जो दूसरे गुरु का नाम पड़ता है, इसके गुरु का नाम पड़ता है रुद्राकरण, रुद्राकरण राम पुत्र। तो यार तया बात याद रखियो रे, गौतम बुद्ध का जो दूसरा गुरु था, इसके दूसरे गुरु का नाम पड़ता है रुद्राकरण राम पुत्र पड़ता है। पहले गुरु की मुलाकात तो वैशाली के अंदर हुई, फिर इस दूसरे गुरु ते मुलाकात भी कितो न कितो हुई होगी। मैंने पहले बात में थरते बताई थी अग भाई, मुलाकात के बिना गुरु नहीं बनता, और ऐसे थोड़े ना कि चलते फिर तो को हम ज्ञान देने लगते। मुलाकात तो ही होगी, कुछ न कुछ बैठा होगा, जबे तो ज्ञान दिया होगा। तो गौतम बुद्ध का जो दूसरा गुरु जो था ना, नाम पड़ा रुद्राकरण रामपुत्र, और इसकी मुलाकात हुआ था कहां पर, बोध गया नामक स्थान के अंदर। तो यार तया बात याद रखियो रे, किसकी जो मुलाकात हुआ था कहां पर हुआ था, बोध गया नामक स्थान के अंदर हुआ। जो ये बोध गया नामक स्थान पड़ता है ना, ये स्थान भी पड़ता है दोस्तों कहां पर, उत्तर लगाकर क्या आना है, बिहार के अंदर। तो गौतम बुद्ध के कितने गुरु थे, दो गुरु थे। दोनों की मुलाकात कहां पर हुआ, बोध गया। एक की मुलाकात होया वैशाली नामक स्थान के अंदर, वो भी बिहार में पड़ा है, और दूसरा गुरु जो था रुद्राकरण रामपुत्र, इसकी मुलाकात भी कहां पर हुआ था, इसकी मुलाकात भी हुआ कहां पर, बिहार के अंदर हुआ था, लेकिन स्थान दूसरा पड़ता था बोध गया नामक स्थान। क्लियर होगी भाई गुरुवाता बात। जब गुरु बनाने की बात आई है तो हर टीचर का दोस्तों एक दो फेवरेट स्टूडेंट जरूर हो है। जरूर हो है कती पूरी क्लास में, मानो का नहीं मानो इस क्लास में भी मेरा है नहीं कोई भी नैड मारा है। मैं बोला ना मका इस क्लास में मेरा नैड मारा है कती, एक तो यो बैठे सामी एक कती मेरा दुश्मन तू नहीं गया यार द्वार रह रहन वाला कौन है भाई, तू खार मरवाया होगा इस पे, खार चढ़ंगा पड़वाया होगा, सीधी बात यह है ना रे, घर का काम जरूरी है भाई। एक कावड़ लेने जा रहा था पैसे तो उसकी बू बाज की, भगवान कसम ईब की बात है, चले जाओ ईब कोई सा कावड़ लेने जाता हो तो। एक कावड़ लेने चला गया आगे कोई सा मान लो ब्याह आता है किसी का पति, मान लो कोई नू पूछा ना कावड़ लेने चले जाओ है। एक अखबार की वो अखबार मारी माड़ा टाइम चाल रहे, मैंने थरते एक बात बताई थी मेरे ख्याल में उसकी गुजरात वाली बात बताई थी वह ना बताई ना दोस्तों, थारी के लिए हर जगह माड़ा काम होने लग रहा आज के टाइम पे ना, छोरिया का मुंह पुरान हो रहा भाई, हो रहा का नहीं हो रहा ये पढ़े हैं। एक बे घटना घटगी भाई, एक भाई का इस वर्ग के भाई का रास्ता हो गया, गलत को ना दोस्त हकीकत बात है, रास्ता हो गया कोई बात नहीं, राज्य हो रहा कती खुले में खुला बढ़िया डाला कती, अगर रास्ता हो रहा छोरी सरकारी लाग रही, गुजरात की बात है नाम नहीं लिया कर दे किसी राज्य का, ए टू जेड कोई भी, रास्ता हो गया तो कोई बात नहीं भाई, छोरी आड़े आकर पहले देख गए सारा काम कर गए, इसने रोक गए माना मूल धन सो वो है यो, तो इसने रोक गए इनके घर क्या पेटा को ने बढ़िया बढ़िया को ने इसके बाबू का नोला देख कर मैं भी आऊंगा छोरी ने, तो इसकी माँ बोली अगर के करेगा जले जब रास्ता हो गया सारे काम हो गए पुचकार गए रोक गए जरूरी है अपना ठाका कर देर पहले नुए कर दिया करन थे, लेकिन आज का मॉडर्न जमाना नुले ना देख काऊंगा उसके दमाग में और कुछ चल रही, चला गया इसका बाबू देखन। दो दिन पाछे खबर आई इसका बाबू इसकी सासी ने लेकर भाज गया, गया बहु ने पुचकार बहु की माँ ने लेकर भाज गया, ऐसे का बाबू बहु देखने जाओ तो उसके जीपीएस लगा दियो तो बाबू भी काबू के कोने रह रहे, भगवान कसम मैं झूठ नहीं कंदा, वास्तविकता है दोस्तों, अखबार में आई थी और इसकी वीडियो मैंने पहले भी बना रखी अपने चैनल पे,
आई थी आज चीज अखबार में के कर लो। एक यूपी में गति थी, एक छोरा अपनी सासू ने लेकर अगर पूछा करो रहा यूपी में ईब की घटना तो एक डेढ़ बिन्ने पहले की दो बिन्ने की के कर ले समाज का है बैठे बैठे गन्ना सो रहा जी। ये सच्ची घटना घट रही है सारी की सारी। लिखो भाई आगे इबे का देखे दिमाग में बढ़ जाएगी उन्हें बाबू ने भेजू ना भेजू। लेकिन जो काम कहू ना वो जरूर कर लियो भाई, जीपीएस सिस्टम जरूर लगा दियो, समझ गए के हैं। मैं बता दूं ओकड़ा लाना है हाँ ठीक है नुगा जीपीएस सिस्टम कड़ा लाना है जी। जीपीएस सिस्टम लाने की जगह पर लगेगा यार आवाज नहीं भाई। हेलो हेलो बाद में बात करिए। लिखो भाई आपका के बताया जन्म के बारे में गुरुआ के बारे में बता दिया, इसके बाद लिखना गौतम बुद्ध के जो शिष्य का नाम पड़ता है उसके चेले कौन थे, तो लिखो शिष्य कौन कौन था। तो गौतम बुद्ध के शिष्य का नाम पड़ता है चंदू। इसके बाद लिखो आनंद सच है। इसके बाद लिखना है बांड गौतम बुद्ध के बांड, अरे लिख लिया के। इसके बाद लिखो गौतम बुद्ध के शिष्य का नाम चंदू लिख लिया, आनंद लिख लिया, बांड लिख लिया। कह दिया करो बांड के कर छोड़ेगा तू, उन्हें शिष्य थे बै भालू वाला बै ले बस यू ना मिले इसके स्थान पर मांड भी लगा सका है, चंदू भी लगा दिया ले, आनंद भी लगा दिया, खुशी पे ये सारे थे। इसके बाद लिखो अगली क्लास में बताऊंगा गौतम बुद्ध के घोड़े ने जब वो छोड़ा था ना, एक दो क्वेश्चन और लिख लो। जब गौतम बुद्ध ने अपने घर का त्याग किया ना, घर का त्याग किया तो अपने साथ वो एक घोड़ा लेकर के चला था। क्या लेकर के चला था भाई, घोड़ा लेकर के चला था। तो लिखना है गौतम बुद्ध के जो घोड़े का नाम पड़ता है, गौतम बुद्ध के जो घोड़े का नाम पड़े इसके घोड़े का नाम पड़ता है कंटक। गौतम बुद्ध का जो घोड़ा था ना इसके घोड़े का नाम पड़ता है कंटक। लिख लिया भाई गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम क्या था रे, कंटक था। अब लिखना है लेकिन इस घोड़े की जो देखरेख करता था, इसे घोड़े की जो देखरेख करता था इसकी देखरेख करने वाला एक व्यक्ति था जिसका नाम पड़ता है दोस्तों चन्ना नाम का व्यक्ति। तो देखरेख कौन करता था, उत्तर लगा कर क्या आना है, चन्ना नाम का व्यक्ति। लिख लिया, अब लिखना है गौतम बुद्ध ने जो अपने घर को त्याग दिया था, घर को छोड़ दिया था। तो गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में, 29 साल का था तो उसने अपने क्या छोड़ दिया था, अपने घर को छोड़ दिया था। लेकिन पेपर में नू को नहीं आवा रहे गौतम बुद्ध ने कै साल की आयु में घर छोड़ा था। पेपर में सबका ज्यादा प्रश्न नू पूछा है, अगर जब गौतम बुद्ध ने अपने घर को छोड़ा ना, जब उसने अपना घर त्याग दिया तो गौतम बुद्ध के घर छोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। सबका ज्यादा पेपर में पूछने वाला प्रश्न यो है तो उत्तर लगा करके आना है महाभि निष्क्रमण के नाम से।
देखा होगा नहीं कहते नहीं प्रश्न एग्जाम में, तो गौतम बुद्ध के घर छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? महाभी निष्कर्मण कहा जाता है। बात क्लियर होगी भाई? कोई बात नहीं, तू लगा ले। गौतम बुद्ध के घर छोड़ने की प्रक्रिया क्या कहा जाता है? महाभी निष्कर्मण कहा जाता है। चलो अब तो यो भी लिख लो, गौतम बुद्ध ने जो ज्ञान की प्राप्ति लिया था या ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, जो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, इसको ज्ञान प्राप्त हुआ बोध गया नामक स्थान के अंदर। गौतम बुद्ध को ज्ञान कहां पर प्राप्त हुआ? बोध गया नामक स्थान के अंदर। और बोध गया नामक स्थान कहां पर पड़ता है? बिहार के अंदर पड़ता है। क्लियर होगी बात? जब गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया बिहार के अंदर हुआ ना, तो पीपल के वृक्ष के नीचे उसको ज्ञान प्राप्त हुआ था। पेड़ का नाम पूछेगा तो पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त किस पेड़ के किनारे हुआ था? पेड़ के नीचे हुआ था, पीपल के पेड़ के नीचे। स्थान पड़ता है बोध गया बिहार पड़ता है। अब लिखना है गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे, गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ था? गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो उस नदी का नाम पड़ता है निरंजना नदी। उसे नदी का जो नाम पड़ता है ना, उसका नाम पड़ता है निरंजना नदी के किनारे। एक तो निरंजना नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हो गया, और मान लो निरंजना नदी ना पावे ना, तो इसका उत्तर लगा कहना है फल्गु नदी के किनारे। तो या तो निरंजना नदी लगा कर क्या आना है, या उत्तर क्या लगा कर क्या आना है, फल्गु नदी के किनारे इसको ज्ञान प्राप्त हुआ था। लिख लिया भाई? लिखना दल और गु लगा दियो, फल्गु नदी के किनारे। इसके बाद लिखना है गौतम बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ, ज्ञान लेने की प्रक्रिया क्या कहलाई? भाई रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर मान लो हंसी चल रही है तो हंस लिया करो, क्लास के बीच में नहीं खीर खीर ना बोलिया करो। फिर कोई सा लपेटे में आ गया ना, फिर थम मुंह चढ़ा दे फरोगे। मैं हाथ जोड़ू थारे आगे कंधे हो तो जोड़ के दिखा दूंगा। 3 घंटे ना भी, 9 से 12 अपना कर्म कर लो भी। सारे रुपये देकर बैठे, फ्री में कोई ना बैठता। उन रुपया जितना तो ज्ञान ले लो है भाई। आ रहे हैं कुछ लेकर तो जाओगे? तो गौतम बुद्ध के ज्ञान लेने की प्रक्रिया क्या कहा जाता है? निवाण कहा जाता है। लिख लिया भाई? आज के लिए दोस्तों इतना काफी है। चलो भाई आज के लिए इतना ही।